हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 10 का एडमिट कार्ड के बारे में। जी हां फ्रेंड, एसएससी ने यहां पर फेज 10 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और साथ में आपको यहां पर एग्जाम सेंटर, एग्जाम लोकेशन, सिटी भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक, ताकि आपको एसएससी फेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस जान सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या फिर एग्जाम सेंटर चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ssc.nlc की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाले एसएससी की हर एक प्रकार की अपडेट्स आपको सही समय रहते मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हैं आप जिस रीजन से आपने अप्लाई किया है उस रीजन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ नॉर्थ रीजन का, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पर नॉर्थ रीजन है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। आपको जो भी रीजन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हमेशा इसको डेस्कटॉप साइड में ओपन करना है। यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट अच्छी तरह से वर्क हो जाएगी, जिस तरह से कंप्यूटर में खुलती है। तो फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक केयर का ऑप्शन दिखाई देना है, इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन इसलिए आप ओपन होगा, यदि आप डेस्कटॉप साइड में ओपन करेंगे तभी सो होगा, ठीक है। इसके बाद इस तरह का आ रहा है तो आपको यहाँ पर डेनी का ऑप्शन दिखाई देना है, इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है नॉर्थन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वेबसाइट में आपको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और इसमें जो नोटिस भी दिया गया है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पर दिखाई दिया है। व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करते हैं और जो भी पूरी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पर स्टेटस पोस्ट फेज 10 2022 से सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 23 जुलाई 2022 की न्यू अपडेट है, ठीक है। आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, आपको जो भी डिटेल्स दी गई हैं इसको आपको यहाँ से एग्री करेंगे। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यह एग्री करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि फ्रेंड्स आपका लिंक रहेगा। आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन का आपको स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन आईडी से चेक कर सकते हैं और आपके फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं और अपने नेम से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेम से चेक करने के लिए आपका फुल नेम इंटर करना है, फादर्स का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपने किस सब्जेक्ट से आपने यहाँ पर लेवल से आपने अप्लाई किया है, मेट्रिकुलेशन, 10+2 या ग्रेजुएशन, इनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं 10+2 यहाँ सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च का स्टेटस का आपको ऑप्शन दिखाई देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके फॉर्म का स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी आपकी जनरल डिटेल्स हैं, आपका फोटो वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपकी एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट कौन सी है, आपको रिपोर्टिंग टाइम, क्लोजिंग डेम, आपके एग्जाम की टाइम आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म स्टेटस में आपको फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखते हैं 4 दिन पहले आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा आपकी एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम से 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको यहाँ पर इसके नीचे ही आपको यहाँ पर क्लिक है डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।